नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग कोरल ड्रॉ में रेक्टेंगल टूल सीखने वाले हैं और उसी के साथ उसका पूरा प्रॉपर्टी भी आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। कोरल ड्रॉ में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के दो मेथड हैं। ओके, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल टूल है, एक तो ये मेथड है और दूसरा ऑप्शन देखने के लिए आपको इस रेक्टेंगल पर कहीं पर भी क्लिक करके लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, तब जाके आपको एक सेकेंड ऑप्शन दूसरा टाइप आपको दिखने वाला है जिसका नाम है थ्री पॉइंट रेक्टेंगल। या फिर यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है ब्लैक कलर में, उस पर क्लिक करना होता है तब जाके आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने वाले। तो दो मेथड से ये ऑप्शन जो है आप विजिबल कर सकते हो। तो फर्स्ट वन ऑप्शन हमारा जो है रेक्टेंगल, उसे ड्रॉ करने के लिए सिंपली क्लिक करना है या फिर F6 शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको सिंगल क्लिक करके ड्रैग करना है एरिया, जिस एरिया तक आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जितना साइज में आपको ड्रॉ करना है आप उतना साइज में उसे ड्रॉ कर सकते हो। तब तक आपको क्लिक नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने पोजीशन फिक्स कर दी, हाँ भाई यहाँ तक मुझे चाहिए रेक्टेंगल, तो यहाँ पे मैं मेरा लेफ्ट क्लिक रिलीज कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ताकि ये रेक्टेंगल ड्रॉइंग कम्प्लीट हो जाए। ये हो गया फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड था। ज़्यादातर हम लोग इसी मेथड से रेक्टेंगल कोरल ड्रॉ में ड्रॉ करते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं, चलो थ्री पॉइंट रेक्टेंगल। ये थ्री पॉइंट रेक्टेंगल इसे नाम दिया गया है क्योंकि ये थ्री मेथड से, थ्री पॉइंट थ्रू हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं, तीन स्टेप में इसे ड्रॉ कर सकते हैं और स्पेशली ये एंगल वाइज ड्रॉ करने के लिए यूजफुल है। यहाँ पे तो नाम आ रहा है थ्री पॉइंट, लेकिन अब अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो, जैसे ही उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा ड्रॉ रेक्टेंगल एट एन एंगल। एंगल क्यों, वो देख लेते हैं। थ्री स्टेप में जैसे मैंने कहा ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन स्टेप रहेगा सिंगल क्लिक करना, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी तक मैंने क्लिक नहीं छोड़ा है, जो लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया था वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये क्लिक मुझे छोड़ना होगा। लेकिन जैसे कि हम लोग ने देखा ये एंगल वाइज हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल की होल्ड कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ये हुआ हमारा जीरो डिग्री में हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा ऊपर लेना है तो ये हो गया 15 डिग्री से ये बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि 30, 45, 60, 75 और उसके बाद 90। इस तरह से हम लोग जो एंगल चाहिए वो एंगल में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार एक एंगल फिक्स हो गया, जैसे कि ये हो गया 30, यहाँ पे मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ माउस क्लिक। ओके, जैसे ही छोड़ दिया ये सेकेंड स्टेप हो गया और जहाँ पर जाके आप क्लिक कर दोगे वो मेरा थर्ड स्टेप हो गया या फिर थर्ड पॉइंट हो गया। इस तरह से आप थ्री पॉइंट रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। फिर से एक बार देखते हैं, फर्स्ट स्टेप सिंगल क्लिक, अभी तक क्लिक करके रखा है, मैंने माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है। ये मेरा सेकेंड वन स्टेप हो गया, माउस रिलीज कर दिया है और ये मेरा थर्ड वन स्टेप। इस तरह से आप थ्री पॉइंट रेक्टेंगल टूल रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिर से हम लोग नॉर्मल रेक्टेंगल पे आ रहे हैं। एक सिंपल रेक्टेंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ इस तरह से। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, एक बार एक टूल का काम हो गया तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली पिक टूल सिलेक्ट कर सकते हो। पिक टूल सिलेक्ट करने के बाद जो भी इफेक्ट रहेंगे उस टूल से रिलेटेड, तो आप पिक टूल से वो उसे इफेक्ट दे सकते हो या फिर उसका प्रॉपर्टी जो भी हैंडल करना है वो पिक टूल से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारा रेक्टेंगल टूल एज वेल एज पिक टूल भी हो सकता है। सो पिक टूल सिलेक्ट किया है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, एक बार मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है तो उसे मैं मैनुअली इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। ये रहा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली चाहे तो वर्टिकली मैं कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से ठीक है यहाँ तक। उसी के साथ डायगोनली भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया रिसाइजलिंग हैंडल, ये जो हैंडल्स है उसी के साथ मैं अगर इस पर फिर से एक बार क्लिक करूँगा, अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद हम उसे साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से अगर उसके बाद उस पर ऊपर और एक क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो आप देख रहे हो बॉर्डर्स उसके चेंज हो गए, सिलेक्शन चेंज हो गए। तो अब यहाँ पे हम उसे रोटेट कर सकते हैं, दिख रहा है इस तरह से। तो ये रोटेट करने के भी काम आता है, रोटेशन हम लोग आगे जाके देखने वाले। फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किस तरह से किया और दो बार क्लिक करने से क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग ने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, अब प्रॉपर्टी पे आते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है ऑब्जेक्ट ओरिजिन, जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे जब हम लोग कवर करेंगे। आज ही के लेक्चर में जो कवर करने वाले वो है मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट के साथ ये ओरिजिन भी क्लियर हो जाएगा। आगे वाला ऑप्शन जो हम लोग देखने वाले वो है पोजिशन।
ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ पे है, वो मेंशन होता है यहाँ पे। आप देख सकते हो एक्स एंड वाई जो आपका पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वो एक तो हॉरिजॉन्टली मींस एक्स हो सकता है या फिर वर्टिकली दैट मींस वाई। तो ऑब्जेक्ट जिस तरह से मूव करो, आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे चेंज करोगे उसका पेज पे लोकेशन कहाँ पे हो क्लियर कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक्स जो है माइनस में आ रहा है लेकिन वाई फिलहाल प्लस में ही दिख रहा है। ओके, तो आपको क्या करना होता है, ये जैसे मैं पेज पे मेरा ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पेज के मिडल पे चाहिए तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है और कीबोर्ड पे पी करके शॉर्टकट के उसे प्रेस करना होता है। आप इस शॉर्टकट को नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये कहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पी की प्रेस करने से आपका जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा वो पेज के सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। उसके साथ आप पोजिशन भी देख सकते हो ऑब्जेक्ट का क्या है। फिलहाल अभी यहाँ पे कहीं पे भी माइनस साइन नहीं है, नहीं हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, दैट मीन्स एक्स और वाई में कहाँ पे भी माइनस साइन नहीं। जैसे मैं मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हूँ, मुझे लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब मैं ऊपर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक ही लाइन में लेफ्ट राइट में मूव करना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड करना है। दिख रहा है अब एक ही लाइन में वो मूव हो रहा है। अभी तक आप अगर पोजिशन में जो नंबर्स चेंज हो रहे हो देख रहे हो, अभी भी प्लस में, अभी जीरो में आ रहा है वो। जैसे ये पेज का लेफ्ट बॉर्डर में क्रॉस कर दूंगा वहाँ पे वो माइनस में चला जाएगा इस तरह से। दिख रहा है माइनस 0.46 का पोजीशन है, मतलब अगर मैं इसके पेज के लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो ये माइनस में चला जाएगा, वही अगर राइट में जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली प्लस में आ जाएगा। उसी तरह वर्टिकली अगर पेज के बॉटम बॉर्डर से नीचे जा रहा हूँ तो वहाँ पे वो माइनस में दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स कर सकते हो। फिर से ऑब्जेक्ट में पेज के सेंटर पे ला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइज़। आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। एक तो स्टार्ट में हम लोग ने देखा मैनुअली आप माउस के थ्रू कर सकते हो या फिर आपको प्रॉपर साइज़ मालूम है ऑब्जेक्ट का तो यहाँ से भी उसे कर सकते हो। जैसे कि मुझे 5x3 मतलब कि 5 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 3 हाइट चाहिए, तो इस तरह से मैं उसे मेजरमेंट दे सकता हूँ। यहाँ से आप कर सकते हो या फिर परसेंटेज वाइज भी आप यहाँ पे इसे रिसाइज कर सकते हो। साइज़ कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। जैसे कि अभी जो भी यहाँ पे है उसका जो 50% करना है तो 50 दे के मैं एंटर मार दूंगा, इस तरह से वो कम हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है, एक तो परसेंटेज वाइज करो, लेकिन यहाँ पे ये जो आगे जाके लॉक ऑप्शन दिख रहा है लॉक रेशो, अगर ये एक्टिवेट रहेगा तो आप जो भी चेंजेस करोगे हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली भी उसका इफेक्ट आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, आप वर्टिकली देख सकते हो इसका 3 इंच है, हॉरिजॉन्टली मैं जैसे यहाँ पे चेंज करूँगा 2, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो वर्टिकली भी यहाँ पे चेंजेस हो गए 3.054। जैसे ही चेंज करते रहोगे वैसे ही चेंज होता रहेगा इस तरह से। अगर आप वर्टिकली चेंज करोगे तो हॉरिजॉन्टल में भी चेंज होने वाला है अगर आपका यहाँ पे ये जो साइन है वो एक्टिवेट रहेगा तो, जिसे कहा जाता है लॉक रेशो। ओके, कंट्रोल सेट करता हूँ उसका नॉर्मल साइज में आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट हमारे सामने आया, ये जो सेल है ये कोई नॉर्मल सेल नहीं होते, ये होते हैं फंक्शनल सेल। तो आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप अभी फिलहाल जो साइज है दे सकते हो 3.817। अगर इसका मैंने आपको पूछा कि 50% कितना हुआ तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा या फिर आपको कैलसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो सकती है। तो क्या करोगे, सिंपली अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज़ जो भी है उसका 50% करना है या फिर आधा करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2। सिंपल डिवाइड का साइन डालना है, 2 डालना है और एंटर की प्रेस करना है, जो भी रहेगा 50% वो ऑब्जेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, ये रेशो निकाल देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। अब जैसे इसका डबल करना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, एंटर, जो भी साइज रहेगा उसका अपने आप डबल हो जाएगा। जो भी क्रिटिकल अमाउंट रहेगा तो आप आसानी से उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, या फिर आपको मालूम है जो भी साइज़ है उसमें से मुझे 2 इंचेस कम करना है क्योंकि अभी जो भी मेजरमेंट आ रहा है इंचेस में आ रहा है, सो सिंपली -2 कर दोगे, एंटर मार दो तो उसमें से 2 इंच माइनस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड प्लस जो भी आप साइन इस्तेमाल करके फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज कर सकते हैं, लॉक रेशो भी हम लोग ने देख लिया। उसी के साथ हम लोग देखेंगे रोटेशन। ओके, ये ऑब्जेक्ट जो रोटेट है उसे हम लोग एंगल थ्रू रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करना है 45 डिग्री में, तो 45 डिग्री टाइप करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ।
हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था, अगर इस ऑब्जेक्ट में और एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रोटेशन एंगल आ जाते हैं जो मैं उसे चाहे वैसा रोटेट कर सकता हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट में रोटेट कर रहा हूँ, ये जो रोटेट हो रहा है ये नॉर्मल रोटेशन नहीं है, इसे सेंटर रोटेशन बोला जाता है। सेंटर रोटेशन क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का सेंटर जहाँ पे भी रहेगा उसी के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट रोटेट होता रहेगा। दिख रहा है इस तरह से? अगर मैं उसका सेंटर ही चेंज कर दूँ तो, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके मैंने कोई और जगह पे शिफ्ट कर दिया, अब रोटेट करने की कोशिश करो, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट अब रोटेट होगा। इसलिए इसे कहा जाता है सेंटर रोटेशन, जहाँ पे भी मूव कर दोगे वहाँ से ये ऑब्जेक्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है? फिर से कंट्रोल सेट नॉर्मल पोजिशन लाता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ओके, एक तो यहाँ से कोई भी एंगल दो चलेगा, या फिर मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हो। फिर से क्लिक करोगे तो नॉर्मल अपना जो रिसाइजिंग का जो सिलेक्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मिरर इफेक्ट। एक तो मिरर हॉरिजॉन्टली या फिर मिरर वर्टिकली इफेक्ट दे सकते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मुझे और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा, नहीं तो इफेक्ट समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ करना हमारे आज का टॉपिक नहीं है, आगे जाके हम लोग ज़रूर देख लेंगे, तो उसके बारे में हम आगे जाके सीखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए, इसे ग्रुप भी कर देता हूँ, ग्रुप भी ऑप्शन आगे जाके सीखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोगों को सीखना है मिरर इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट तो ड्रॉ, टोटल तीन ऑब्जेक्ट है ड्रॉ किए, एक रेक्टेंगल और दो सर्कल। अब यहाँ पे जब मैं मिरर इफेक्ट अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट साइड और ये टॉप साइड तो वही रहेगा, लेकिन राइट साइड जो है लेफ्ट साइड जो है राइट साइड में चला जाएगा, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टली। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, फ्लिप हो रहा है हॉरिजॉन्टली इस तरह से। वही मैं वर्टिकली भी कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे मैं फ्लिप कर रहा हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो नॉर्मल पोजीशन था स्टार्टिंग में वो ला के रख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने सीख लिया कि भाई मिरर इफेक्ट क्या होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन वही के वही है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब जो सबसे पहला ऑप्शन था वो था ऑब्जेक्ट ओरिजिन, जो ओरिजिनल पोजीशंस है अभी ऑब्जेक्ट का, तो उसे अगर हम लोग कहाँ पे भी मूव कर रहे हैं एक तरह से देखा जाएगा तो ये मूव ही हो रहा है, मिरर इफेक्ट मतलब है कि नहीं। तो यहाँ पे वही पोजीशन पे चेंजेस हो रहा है। अगर मैं ये ओरिजिन पॉइंट जो है, दिख रहा है यहाँ पे, ये सब डॉटेड करके स्क्वायर है, जो स्क्वायर है उस पर आप लोग कहाँ पे भी क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे एक ब्लैक डॉट आ जाएगा, दिख रहा है, जो पहले सेंटर में था उसे कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। जहाँ पे भी रखोगे उसे बोला जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिजिन करके। तो यहाँ पे मैं इसे राइट में रख रहा हूँ। ओके, अब मैं मिरर इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, दिख रहा है क्या हो रहा है? जैसे मैं मिरर इफेक्ट पे क्लिक करते जाऊँगा वो ऑब्जेक्ट राइट साइड पे चला जाता रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फिलहाल जो ऑब्जेक्ट का पोजिशन है और उसका ओरिजिन है वो है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो उसी के हिसाब से वो मिरर इफेक्ट अप्लाई करते रहेगा। वही मैं अगर उसका पोजिशन चेंज करता हूँ यहाँ पे और फिर मिरर इफेक्ट दे रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड में जाता रहेगा। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया रहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन क्या होता है। वैसे वर्टिकली करना है तो आपको ये पोजीशन यहाँ पे करना होगा, उसके साथ आप इसे पोजीशन भी दे सकते हो। वर्टिकली करना है तो डाउन साइड में मूव होना चाहिए, अप साइड में, तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन उसका सेट कर दो, उसी के साथ ये मूव होता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, एक नया रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ऑप्शन है राउंडेड कॉर्नर, उसके बाद स्कैल्प्ड और चैम्फर। उससे पहले हम लोग यहाँ पे इफेक्ट देंगे, जो भी कॉर्नर्स है उसे राउंडेड कॉर्नर अगर इफेक्ट देना है तो किस तरह से दे सकते हैं। पहले और यहाँ पे तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिसमें से हम लोग ने फर्स्ट वन सिलेक्ट किया राउंडेड कॉर्नर, और यहाँ पे वन बाय वन आप इफेक्ट दे सकते हो या फिर क्लिक करते बढ़ाते जाओ। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर जो है राउंडेड हो गए, या फिर सिलेक्ट करो डायरेक्टली, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट दे सकते हो, जैसे कि 0.7 यहाँ पे देता हूँ एंटर। इस तरह से आप इसके जो कॉर्नर से वो राउंडेड कर सकते हो। ठीक है, 0.5 यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से राउंडेड कॉर्नर इफेक्ट आप दे सकते हो। उसी के साथ नेक्स्ट वन है, जो हम लोग ने राउंडेड दिया था उसे स्कैल्प मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप राउंडेड कर सकते हो, और या फिर स्ट्रेट लाइन में रखना है तो फिर चैम्फर इफेक्ट आप उसे दे सकते हो इस तरह से।
क्लियर है, चैम्फर आ गया यहाँ पे स्कैल्प्ड, और फर्स्ट वन था राउंडेड कॉर्नर। अब यहाँ पे जो भी इफेक्ट एक में दोगे अपने आप सब जगह पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉक है, तो यहाँ पे लॉक निकाल दो। पहले यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो एंटर, और यहाँ पे लॉक निकाल दे रहा हूँ। फिर मैनुअली आप वन बाय वन, जैसे कि मुझे टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर में इफेक्ट देना है, तो यहाँ पर आप दे सकते हो इफेक्ट 0.5। टैप की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे टैप की से आ सकते हो या फिर सिलेक्शन करके फिर से आप यहाँ पे नंबर देना है वो दे सकते हो, रेडियस। ओके, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि अच्छा इफेक्ट आए, 0.7। ओके, इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइंस को जो खूबसूरत दिखते हैं उसे आप अपने हिसाब से, अपने माइंड सेट से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस यहाँ पे कोरल ड्रॉ पे बना सकते हो, और बहुत आसानी से। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग ने तीनों ऑप्शन देख लिए, उसी के साथ हर एक कॉर्नर्स किस तरह से चेंज करना है वो भी देख लिया। फिर से चेंज करते हैं, नॉर्मल बना देते हैं अपने रेक्टेंगल को, ठीक है, डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ तो करना सीख गए, लेकिन अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, तो सिंपल कंट्रोल की होल्ड करना है और ड्रॉ करना है। आप देखोगे अगर मैं राइट में या फिर लेफ्ट में ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ मूव करने की, तो ज़्यादा मूव नहीं होगा, उसी के हिसाब से ये जो है स्क्वायर ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि मैंने कंट्रोल की होल्ड किया है। तो कंट्रोल की होल्ड करके आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगल टूल के हेल्प से। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, उसका नाम है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव ही रहता है। इसे सीखने से पहले यहाँ पर हम लोग स्कैल्प इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, सिलेक्शन किया और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं 0.7। ओके, यहाँ पे लॉक नहीं रखा था, 0। ओके, 0.7 एंटर, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट आ गया। उसी के साथ और एक ऑब्जेक्ट उसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ये डुप्लीकेट किस तरह से बनाते हैं आपको आगे जाके ज़रूर सिखाऊंगा मैं, या फिर आप सिंपली सिलेक्ट करके कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हो तो डुप्लीकेट बन जाएगा, देख लेते हैं। कंट्रोल डी दिख रहा है, इस तरह से इसका डुप्लीकेट बन गया। ओके, देन अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट है जिसे कहा जाता है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर रहे हो और उसका सेंटर वाइज उसका साइज़ कम ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे शिफ्ट की होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके चारों साइड है वो एक साथ कम हो या फिर बढ़े, इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कम कर दिया साइज़, अब ये ऑप्शन डिसेक्टेड कर देता हूँ। उससे पहले दूसरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट किया है, ये जो ऑप्शन है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग, इसे डिसेक्टेड कर दिया, और अब मैं शिफ्ट की होल्ड करके इसका साइज़ कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या हो रहा है, ये है दोनों में फ़र्क। अगर आपने ये ऑप्शन डिसेक्टिवेट कर दिया तो जो कॉर्नर्स है वो मेनटेन नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या लिख रखा है, रिलेटिव कॉर्नर्स स्केलिंग। जो भी कॉर्नर रहेगा वो मेनटेन करेगा उसका साइज़ कम ज़्यादा होते वक्त। ओके, तो ये डिसेक्टेड रहेगा तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो साइज़ है, जो भी एंगल है वो सब चेंज कर देगा, जो कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसका एंगल, इसके कॉर्नर्स उसने सेम ही रखे हैं, उसका साइज़ कितना भी बड़ा या छोटा करो तो वैसे ही रहेगा, इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन का यूज़, तो हमेशा इसे एक्टिव ही रखना क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है वो है हेयर लाइन नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट के बॉर्डर्स है इसका आप पॉइंट वाइज साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0.5 या फिर हेयर लाइन होगा, आप यहाँ पे उस पर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो जो बॉर्डर्स है वो उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है, इस तरह से। तो जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पे इसे दे सकते हो वन बाय वन करके, सिंपल ऑप्शन है, जो भी चाहिए वो रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा वो 0.5 या फिर हेयर लाइन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के हिसाब से अरेंज करके रख सकते हो, लेकिन ये फिलहाल नहीं सीखना है क्योंकि जब हमारा ये टेक्स्ट टूल होगा तब हम लोग सीखेंगे रैप टेक्स्ट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे मैंने ये एक ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, उसके साथ और दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, चलो। ओके, तीनों को कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करना बहुत ही सिंपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और जो भी यहाँ पे कलर पैलेट दिख रहा है उसमें से कलर फिल करते जाओ। दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ ग्रीन कलर, और ये रहा रेड,
रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीन ऑब्जेक्ट हम लोग ने ड्रॉ किया है। कोरल ड्रॉ क्या करता है, जो भी सबसे पहला ऑब्जेक्ट ड्रॉ होता है वो सबसे नीचे या फिर सबसे पीछे होता है, उसके बाद जो भी ड्रॉ करोगे और जो भी लेटेस्ट वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ रहेगा, जैसे कि मैंने सबसे लास्ट में ड्रॉ किया था ये रेक्टेंगल, तो ये सबसे ऊपर आ गया, आप देख सकते हो। तो इसे सबसे पीछे डालना है, तो ये इफेक्ट आपको अप्लाई करना होगा टू बैक ऑफ लेयर, मतलब सबसे पीछे चली जाएगी ये लेयर या फिर ये ऑब्जेक्ट जो है, इसे ऑब्जेक्ट ही कहेंगे क्योंकि ये कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ में आप जो कुछ भी ड्रॉ करते हो उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये अभी डिसेक्टेड होगा क्योंकि अभी सबसे पीछे, अगर सबसे आगे लाना है तो फिर टू फ्रंट ऑफ लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है तो सबसे आगे आएगा। इसमें आप वन बाय वन स्टेप बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो। वन बाय वन स्टेप मतलब क्या है, ये जो लास्ट वन दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अगर मुझे इसे रखना है तो आपको ऑब्जेक्ट में जाके ऑर्डर में जाके यहाँ पे बैक वन करके ऑप्शन है वो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो ये वन बाय वन स्टेप बैक जाता रहेगा। इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। ये पेज कंट्रोल पेज डाउन किया, आप कंट्रोल पेज अप से वन बाय वन स्टेप आगे आता रहेगा। कितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो वन बाय वन स्टेप उसे आगे या फिर उनके पीछे आप मूव कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली फ्रंट या फिर डायरेक्टली बैक के लिए इस्तेमाल होने वाले दो ऑप्शन है। अगला ऑप्शन जो है वो कोरल ड्रॉ का सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है कन्वर्ट टू कर्व्स, जो कि हम लोगों को सीखना है शेप टूल के साथ। ये शेप टूल और इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी एंगल, कोई भी शेप आसानी से ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पूरा लेक्चर चला जाएगा शेप टूल के लिए, तभी हम लोग ये कन्वर्ट टू कर्व्स भी सीखने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले कन्वर्ट टू कर्व्स करना पड़ता है, उसी के साथ शेप टूल के इफेक्ट्स हम लोग उसे दे पाएंगे। तो ये रेक्टेंगल टूल और उसका प्रॉपर्टी यहाँ तक ही था। आप देख सकते हो जो लास्ट वन है वो कोई टूल नहीं है, लेकिन उसके थ्रू आप क्विक कस्टमाइज कर सकते हो अपने इस प्रॉपर्टी टूल बार को। जो भी ऑप्शन आप यूज़ नहीं करते हो तो उसे डिसेक्टेड कर सकते हो, जैसे कि ये राउंडेड कॉर्नर या फिर स्कैब नहीं चाहिए, आप उसे डिसेक्टेड कर दो, देखो यहाँ पे चला गया है, या फिर चैम्फर भी नहीं चाहिए उसे भी डिलीट कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कुछ डिलीट मत करो दोस्तों, ये ऐसे ही रहने दो। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।